दिस इज बॉल एंड सॉकेट डेंचर। अगर इम्प्लांट में अगर आपको सांचे की तकलीफ है कि सांचा आपसे हो नहीं रहा, खाना हो नहीं रहा डेंचर से, सो दिस इज सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है। मीन्स कॉस्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे अफोर्डेबल और सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें चार इम्प्लांट पे सिर्फ काम हो जाता है, चार इम्प्लांट पे 12 दांत, ये 14 दांत, ये 14 दांत ऊपर और ये 14 दांत नीचे। इस पे ये क्लिक बटन रहते हैं, क्लिक बटन रहते हैं एंड यहाँ पे काउंटर बटन रहते हैं, ये डेंचर के अंदर रहते हैं और दिस इज डेंचर। और मुंह में ये दिख रहे हैं, सो ये 2 इम्प्लांट के ऊपर 2 बटन नीचे, ये 2 बटन ऊपर, ठीक है। तो ये बटन के ऊपर डेंचर जाएगा एंड टक करके सेट होगा। सो ये अभी इनका ऊपर का डेंचर है, ये पास में ये क्लिप, ये बटन, ये ऊपर गया, ये लगा, टक करके लग गया, ठीक है। सो ये फिट हो गया ऊपर का और नीचे का भी ऐसे, शुरुआत में भी नया है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है, फिर टाइम के साथ वो टक करके नीचे जाएगा। बंद करिए सर, ठीक है, आकर देना, दूर जाना। अभी ये कितना भी खींचेंगे, एक स्पेसिफिक फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये निकलेगा नहीं, ये टेंसर जो है ये निकलेगा नहीं, ये हिलेगा नहीं, खाना खाते हुए एकदम स्टेबल रहेगा। सो यही एक ऑप्शन है जिसमें 2 इम्प्लांट के ऊपर आपको 14 दांत लगा के मिलते हैं, 1-2 इम्प्लांट 14 टीथ एंड दैट टू चीविंग एबिलिटीज में आपकी नेचुरल, मतलब जो रेगुलर विदाउट इम्प्लांट जो होता है उससे 80 टाइम्स से ज्यादा इसमें एबिलिटी रहती है। जैसे 100% हमारी च्यूइंग एबिलिटी रहती है तो डेंचर के साथ वो 20-30% ही रहती है, डेंचर में 20% से ज्यादा नहीं रहती, वो एबिलिटी इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर में 80% रहती है। सो ये इसके बाद निकालने के लिए आपको खींच के निकालना पड़ता है, उसके सिवा निकलता नहीं है, कभी भी हिलेगा भी नहीं है जगह से। ये देखिए पूरा चेयर के साथ करेंगे तब निकलेगा, इसमें स्पेसिफिक फोर्स लगाएंगे तब निकलेगा, वरना निकलेगा नहीं। उसके लिए बाद लगाने के लिए भी एक स्पेसिफिक टक करके आवाज आएगी, बंद करिए, ठीक है, टक करके आवाज आके बंद होता है, ठीक है सर, स्माइल करो एक बार, हां बिल्कुल, ओके।